कोविड-19 वैक्सीन से कुछ दुर्लभ साइड इफेक्ट्स के मामले में अब खबर यह है कि कोविशील्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। वकील विशाल तिवारी ने यह याचिका दाखिल की है। इसमें पूर्व डायरेक्टर की अध्यक्षता में वैक्सीन के दुष्प्रभाव और जोखिम की जांच के लिए चिकित्सा विशेषज्ञ पैनल का गठन करने की मांग की गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी की भी इसमें मांग की गई है। तो एक याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। लंबे समय से इस बात की चर्चा थी और जैसे ही कोविशील्ड को लेकर खबर आई उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में तमाम मांगे की गई हैं। वकील विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल की है। इसमें पूर्व डायरेक्टर की अध्यक्षता में वैक्सीन के दुष्प्रभाव और जोखिम की जांच के लिए एक विशेष पैनल का गठन करने की मांग है जो अपनी रिपोर्ट सौंपे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी की भी इसमें मांग की गई है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमें देंगे। आशीष, इस याचिका में और कौन कौन सी मांगे की गई हैं? सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। एम्स के डायरेक्टर की देखरेख में एक मेडिकल जो पूरा एक पैनल है एक्सपर्ट्स का, मेडिकल एक्सपर्ट का, वो इसकी जांच करे और इनकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें। उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरह से ये जोखिम इनका है, दुष्प्रभाव है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। केंद्र सरकार को ये भी आदेश दिया जाए कि पूरा जांच किया जाए कि कोविड वैक्सीन के क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो लोग अक्षम हो गए हैं, दिव्यांग हो गए हैं या जिनकी मौत हो गई है उनको मुआवजे का प्रावधान भी हो। ये तमाम मांग इसमें की गई है। जी, लेकिन किस तरीके से ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, किस तरीके से जजमेंट किया जाएगा, ये बड़ा सवाल होगा और बड़ी चुनौती भी रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि मीडिया रिपोर्ट आई है, ऐसी कोई अभी कोई स्टडी नहीं हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये देखना जरूरी होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को स्वीकार करता है, केंद्र सरकार से जवाब मांगता है। ये तमाम चीजें देखने वाली है क्योंकि अभी अभी ये याचिका दाखिल हुई है। जी, शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे ही ये खबर आई थी वैक्सीन के दुष्प्रभाव को लेकर लगातार ये खबर चर्चा में है। कुछ लोग हैं जो सहमे हुए भी हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि जो भी इसके दुष्प्रभाव है विस्तृत जानकारी दी जाए और एक पैनल का गठन किया जाए।